गुड मॉर्निंग गाइस, क्या चाल है। उम्मीद के तो कि आप सभी लोग बड़े होंगे, एकदम मस्त काचे होंगे। तो गाइस आज मैं फाइनली जा रहा हूँ रुपाई करने के लिए। वैसे रुपाई हमारी नहीं है, किसी की है, तो पार जाना है भाई, पुल के पार। तो पिछले साल भी मैंने रुपाई नहीं करी यार, इस साल मेरे को एंजॉयमेंट करना है भाई, फुल एंजॉयमेंट करना है। तो बस निकल रहे हैं, सभी लोग चले गए भाई खेतों में, बाकी दिखाऊंगा कैसे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अरे चिटको ना, कहां जा रहे हो, चलो खेत में रुपाई करोगे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खेत के पास, और देखो लोग शिफ्ट हो रहे हैं उस खेत में, तो पहले अब शायद दूसरे खेत में जा रहे होंगे, तो देखते हैं कहां पे जा रहे हैं। फिलहाल तो हम जा रहे हैं भैया पुल के रास्ते, और नजारे ओपी होंगे एकदम, पहाड़ एकदम मस्त लगते हैं यार हमेशा। अरे रुपाई हो गई क्या सर? अभी कितना है? होल्डिंग होल्डिंग लेने जा रहे हैं। ओहो, मतलब पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये लोग तो गए भैया ठंडा लेने के लिए, हम जाते खेत में। तो एक रेस्ट के बाद अब फिर से स्टार्ट हो चुकी है भाई तुपाई। इसको तुपाई बोलते हैं यहाँ पे, तुपार आए ना इतने सारे लोग, इनको तुपार बोलते हैं। नमस्ते, क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पे? मास्क लगा रहे हो? अच्छा, तो दोस्तों देखो ये बच्चे यहाँ पे मास्क लगा रहे हैं, और ये जो है ना ये मिट्टी से लिपा गया है, इसको बोलते हैं मिनई हमारे यहाँ पे, और मिनई में लगाते हैं मास्क। मैं खेत में क्यों नहीं जा रहा हूँ बताया, क्योंकि मैंने अभी तक पिट्ठा नहीं लगाया। पिट्ठा वाले जो है वो गए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो जब तक वो लोग आएंगे तब तक का जो है ना मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। जब मैं टीका लगाऊंगा उसके बाद खेत में जाऊंगा, क्योंकि यार रिवाज होते हैं ना कि जब खेत में आए हो तो यार पहले टीका लगता है हमेशा। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज देता हूँ हमारी रुपाई से लेके। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये बच्चे लगा रहे हैं मिनई, एंड यहाँ पे मास्क उगता है। वैसे हम लोगों के रिवाज के हिसाब से ये जो खेत है ये बैलों से बाया जाता है, बट अब जो टाइम आ चुका है ना इसमें यार लोग बाग ट्रैक्टर का यूज करते हैं ना, लोग बैलों का बवाला नहीं रखते हैं, क्योंकि बैल क्या होते हैं पता है, उनको यहाँ से लेके जाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको बहुत चीज होती थी। अब पता है ट्रैक्टर का क्या है, ट्रैक्टर को कहीं भी उठा के ले जाओ दो बंदे, इसमें तेल डालो और इसको पकड़ो और वापस रख दो। इसलिए लोग जो है ना धीरे धीरे बैलों को छोड़ रहे हैं, जो कि गलत है यार। वो लोग पता नहीं कहाँ रह गए हैं, मैं कब से वेट कर रहा हूँ यार कीचड़ में कूदने का, आ जाओ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा पिट्ठा लग गया है, तो अब हम खेत में कूद सकते हैं। जाओ, परमिशन मिल चुकी है हाई कोर्ट से। तो फाइनली हमने कदम रख लिए भाई मिट्टी में, और ये बहुत गहरा है भाई। तो देखो आप यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, इस साइड पे खुदाई चल रही है, उस साइड से जो है रोपा लगाना स्टार्ट भी हो गया। तो ये रुपाई का खेत पूरा फाइनल हो चुका है, और अब यहाँ से शिफ्ट होगा ये सेकंड खेत में। सो देखो आप भाई क्या नजारे हैं भाई, ओपी। तो चलो आप शिफ्ट करते हैं ट्रैक्टर को। तो ये अब ये सेकंड खेत, हम पहले वो वहाँ पे निपटा के आ चुके हैं, तो यहाँ पे पानी की कमी है इसलिए अभी सब लोग ऊपर बैठे हैं भाई। तो देखते कितनी देर में होता है कम्प्लीट। बाकी मैं जो सोच रहा हूँ इसको करने के बाद हम जाएंगे भाई अपने वाटर पार्क में नहाने के लिए। आप लोगों को बताइएगा हमारा वाटर पार्क कहाँ पे है, नदी वाला। फटाफट से इसको निपटाते हैं, देन फिर चलते हैं वहाँ। तो दो घंटे इस खेत में लगा दिए हैं, और देखो आधा पानी है और आधा नहीं है, ऐसे खेत भी मिलते हैं। फिर देखो कितनी मेहनत लग रही है इसमें, इतना इन्होंने खींच खींच के पानी यहाँ तक पहुँचा दिया है, बाकी इतना और है यार। ये कैसे होगा ये, कोई थोड़ा ओके ओके ओके, तब तो ठीक है। तो दोस्तों घर पहुंच चुके हैं भाई, पूरा खतरनाक सा हो गया सीन। ये देखो पैर वैर देखो मेरे, बिल्कुल पूरी मिट्टी से कपड़े वपड़े मिट्टी से, एंड यार बारिश आने वाली हो रही है। फटाफट से हम लोग निकलते हैं जल्दी जल्दी से, यार नहाते हैं भाई नदी में, वाटर पार्क के मजे। तो हम तीन जने आगे भाई नहाने के लिए, मेरे साथ विक्की और अज्जू भी आ गया है। तो अब फटाफट से नहाते हैं भाई अपने स्विमिंग पूल में। एक महीना डेढ़ महीना पहले आए थे ना, रुपाई के बाद नहाने का आनंद ही कुछ और है यार। यहाँ पे ऐसे जा रहा हूँ मैं तो भाई, मेरे को कपड़े भी धोने हैं, शैम्पू भी नहीं लाया यार। कोई नहीं, ऐसी कूद मार लूंगा मैं अभी, कोई बात नहीं, मिट्टी विट्टी तो पकानी है। तो तीनों लौंडे हम एकदम हो चुके हैं भैया तैयार, और चलो अब हम कूदेंगे पानी में, मजा तो आएगा। तो ऐसे स्विमिंग पूल में नहाने का मजा कुछ और है, वो वाटर पार्क वगैरह से तो बहुत बढ़िया भाई। अपने गांव का स्विमिंग पूल इतना बड़ा है और इतना मस्त, इतना प्यारा पानी। अब मैं कूद मारूंगा, मैं एक छलांग वाला लगाऊंगा, तो अब मैं मानने वाला हूँ एडवेंचर वाली छलांग, मैं नाक में पानी कूद गया है। हट जा हट जा हट जा। ओए ओए ओ भाई यहाँ गहरा हो रहा है। ओए ओ भाई इधर, ओए ओ भाई बहुत ही गहरा हो रहा है यार यहाँ पे, ये देखना अभी एक बार चल के दिखाता हूँ। ओ इतना गहरा हो रहा है ओ भाई,
ओए सही मजा आ रहा है यहाँ पे। ओ भाई मैं तो हैंगर डूबते डूबते बचा रहा हूँ वहाँ पे भाई, बहुत ही गहरा हो रहा है, वो खड्डा जगह पड़ गया वहाँ पे। एक यार अभी फोन साइड करते हैं एक बार पूरा मस्त करके हम लोग नहाते हैं। मेरे पे ट्राईपॉड भी नहीं बचा, मेरा गोल्ला पॉड भी पता नहीं कहाँ गया। तो ठंड हो रही है, फोन रखते हैं साइड और फटाफट नहाते भाई तीनों जने। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अपना फोन एक आलिशान गुफा के अंदर डाल दिया है, यहाँ से एकदम सिक्योरिटी के साथ हमारी वीडियो बनेंगी, तो टाइम लैप्स बन सकता है। चलो तो दोस्तों फाइनली हमने नहा लिया है भाई, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा, और अब बारिश भी आने वाली है। तो निकलते हैं घर को भाई, कपड़े वपड़े भी धो लिए हमने। चलो बहुत मजा आया अपने गांव के वाटर पार्क में नहाने में, वाह नेचुरल वाटर पार्क बोलते भाई इसको, और मजे इसी के हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको ट्राई करेंगे, पहले जैसे हम नहाते थे ना वो नीचे वाले पत्थर तक इतना लंबा था, अभी हम इसको फिर से उतना लंबा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एक दो महीने बाद बाढ़ आती है ना यहाँ पे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारे पत्थर बह गए यहाँ पे, फिर से वैसे बन जाएगा, तो हम उस पार इसको गहरा कर लेंगे बढ़िया। सो नहा धोके घर पहुंच चुके हैं एंड अब जाके मेरे को थोड़ा बहुत काम करना है, जैसे कि लकड़ी फाड़नी है एंड और काम भी करने करके। तो इसके साथ बैठा था मैं कुछ देर, तो मैंने कहा आप लोगों से मिलाऊं, क्योंकि यार ये बहुत अच्छा प्राणी है हमारे घर में और इतना प्यारा है ये, मुझे इतना दौड़ाता है, इतना परेशान करता है, और अभी इतने शांत बैठा है ना, जो भागता है भाई साहब, मैं अगर यहाँ पे रुका ना भाग जाएगा मेरे को देख के, मेरे से देख के डरता है चुन्नू। बाय 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 बाय, मैं जा रहा हूँ मैं शर्मा रहा है देखो, जा रहा हूँ मैं भाई, सच्ची जा रहा हूँ मैं। सो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों का खाना जो है यार लकड़ी में बनता है, तो इसलिए मेरे को लकड़ी फाड़ के रखनी है भाई, तो जल्दी से इसको फाड़ते हैं एंड जो है लकड़ियाँ इकट्ठा कर देते हैं, फिर जो है अपन घूमने के लिए जाएंगे। सो लकड़ियाँ फाड़ के रख दी हैं भाई यहाँ भी और वहाँ भी, सो आज या और कल का काम हो गया है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। भाई फिलहाल मैं आया था भाई धारे पे पानी पीने के लिए, बहुत दिन हो गए थे यार धारे पे नहीं आए, सो चलो थोड़ा पानी पी लिया एंड अब चलते हैं वापस घर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, बाद में कहीं चले गया था एंड वहाँ पे भजन करके फिर वहाँ से आने के बाद मैं डिनर वगैरह करा और बहुत लेट हो गई थी तो इसलिए मैं सो गया था। तो आज का व्लॉग देख के मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो चलो चलो गाइस इस व्लॉग को करते हैं एंड आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर हम जरूर करेंगे, एंड क्या पता मुझे पर्टिकुलर वीडियो बनानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं फिर करूँगा फिर बताऊँगा, अभी तो कुछ नहीं। तो चलो इस व्लॉग को एंड करते हैं, आप लोग अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो यार जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, एंड बाकी देखो क्या होता है भाई, अभी तो फिलहाल मैंने कोई चीज़ सोची नहीं है, तो बस डिपेंड सब आप लोगों पे है और देखते हैं क्या होता है आने वाले दो तीन वीडियोस में। तो भाई बहुत लोगों को समझ भी गऊँगा, बाकी नहीं समझोगे तो फिर मैं समझा दूँगा, टेंशन ना लो। तो चलो अब जो है ना चाय वाय पीते हैं और अपना नेक्स्ट व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो चलो